हम मोलर कंडक्टेंस तक आ गए थे, और मोलर कंडक्टेंस में हमने पढ़ा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी? बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। अब हमारा आया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज कर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाती है ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, और वो हमसे रीजन पूछेगा क्यों, कोई बता सकता है क्यों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस क्यों बढ़ जाते? एसोसिएशन ऑफ आयन ज्यादा होगा। डिसोसिएशन उनको ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम कहते ही उनको है जो 100% डिसोसिएट, जो 100% डिसोसिएट हो जाए उन्हीं को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका आंसर नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन आयंस डिक्रीज, आयंस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज कर जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस एग्जाम में आती है। इसका मींस क्या है कि जैसे NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो दोनों आयन्स एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए ये फ्री नहीं होते मूवमेंट के लिए। जब हम इसमें डाइल्यूशन करेंगे मतलब पानी मिलाएंगे, तो Na और Cl के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा, और ये दोनों अलग सेपरेट आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेंगे और इनका मूवमेंट बढ़ जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस बढ़ने का रीजन है अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाना, सॉरी डिक्रीज हो जाना, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस के बढ़ने का रीजन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाना। ये बात हमको रटी हुई होनी चाहिए अगर हम कॉम्पिटेटिव क्रैक करना चाहें। अब आया कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैसे निकाल सकते। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेटेड बाय, इसको हम डिवाई हकल थ्योरी से निकाल सकते, और कभी कभी इसमें ऑनसेंगर भी लिखा होता है, डिवाई हकल ऑनसेंगर। हम इसको डिवाई हकल ऑनसेंगर इक्वेशन से निकाल सकते। इन तीन लोगों ने हमें एक इक्वेशन दी, जो इक्वेशन ये है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, जिस पर हम निकालना चाहते हैं, इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आजकल एनसीईआरटी में इस इनफाइनाइट की जगह पर जीरो आता है। अगर जीरो लगा हुआ है तो इसका मतलब है जीरो कंसंट्रेशन, और इनफाइनाइट लगा हुआ है तो इसका मतलब है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये एक कांस्टेंट है जो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, या सॉल्वेंट का कांस्टेंट है हमने जो लिया है, और अंडर रूट सी कॉन्सेंट्रेशन। इस इक्वेशन को हम डिवाई हकल इक्वेशन बोलते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते, सिर्फ एक ग्राफ का क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन क्या होगा हमने इसको वाई एक्सिस पे ले लिया। ये इंटरसेप्ट है और ये हमारा स्लोप, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। और अच्छी बात यह है कि केमिस्ट्री में ज्यादातर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की। अगर कोई बच्चा स्मार्ट है, ढक्कन है, और पेपर में एग्जाम में आ जाए कि
अगर इन इनके बीच का ग्राफ खींचेंगे तो कैसी लाइन आएगी, और बच्चे को कुछ भी नहीं आता तो उसे स्ट्रेट लाइन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के साथ जाने पर 95% चांस है सही होगा, और 5% भी नहीं, 1% चांस है कि गलत। तो हमने क्या किया, वाई एक्सिस पर इसे ले लिया और एक्स एक्सिस पर कंसंट्रेशन को ले लिया। तो इंटरसेप्ट क्या हुआ, इंटरसेप्ट लैम्डा एम इंफिनिटी या जीरो हुआ, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव साइन है जो दिख नहीं रहा। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा और ऊपर से ग्राफ स्टार्ट होगा, ठीक है ना, और स्लोप कोई बताएगा कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव नेगेटिव स्लोप नेगेटिव होगा, इसका ग्राफ ऐसा आएगा, और ये हमने केसीएल के लिए प्लॉट किया। अब ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हम चाहे कितना भी पानी मिला ले उसमें से केसीएल खत्म नहीं हो सकता। तो इसकी जीरो कंसंट्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं। एक्स्ट्रा प्लॉट करने का मतलब है हाइपोथेटिकल मान लेते हैं कि अगर जीरो हो जाता तो इतनी वैल्यू है। तो ये इसका इंटरसेप्ट, ये लिमिटिंग वैल्यू है कि इससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये वाला ग्राफ हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ड्रॉ करते हैं, लेकिन जब हम यही ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ ऐसा आता है, और ये एसिड एसिड जैसे किसी सब्सटेंस के जो वीक, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आता है। क्वेश्चन क्या आता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस ग्राफिकल मेथड से क्यों नहीं निकाल सकते, व्हाई वी कांट कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय ग्राफिकल, ग्राफिकल मेथड से वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस क्यों नहीं निकाल सकते, कोई बता सकता है? वो कभी वाई एक्सिस से इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। हाँ तो ये किसने बताया, किसने बताया आंसर? प्राची। बिकॉज ग्राफ नेवर टच वाई एक्सिस, ये जो ग्राफ की लाइन है ये वाई एक्सिस को कभी भी टच नहीं करती, ठीक है ना, इसलिए इसकी वैल्यू इससे नहीं निकाल सकते। दूसरा आंसर ये है, तो फर्स्ट आंसर तो हो गया ग्राफ नेवर टच बाय एक्सिस, और दूसरा आंसर ये होगा बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट नेवर डिकम्पोज 100%, वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी 100% डिकम्पोज नहीं करते हैं, इसलिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो स्ट्रॉन्ग की तो हमने डिवाई हकल थ्योरी से निकाल ली, पर वीक की हम डिवाई हकल थ्योरी से नहीं निकाल सकते। तो फिर कोई क्वेश्चन पूछेगा ना कि वीक की कैसे निकालेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट हो, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी हम कोलराउस लॉ से निकाल, हम कोलराउस लॉ से निकालते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 2021 के लिए, क्योंकि काफी सारा पोर्शन डिलीट कर दिया। तो कोलराउस लॉ क्या कहता है, ध्यान से देखना, ये एसिटिक एसिड है, अगर ये ब्रेक करेगा तो इसमें ब्रेक बदले, और ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, अगर ये ब्रेक होगा तो दो एल्यूमिनियम देगा, तीन सल्फेट देगा, थ्री सल्फेट एंड टू एल्यूमिनियम। अब कोलराउस लॉ क्या कहता है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ कैटायन एंड एनायन आयोनिक मोबिलिटी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस और एनायन कुल कंडक्टेंस के सम के इक्वल के बराबर हो, मतलब हिंदी में यह हुआ कि हमें जिसकी कंडक्टेंस निकालनी है
उसके कैटायन और एनायन की मोबिलिटी को समझो। फिर से बताता हूं, जिस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकालनी है उसकी आय एनायन की और कैटायन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, उसको दोनों को सम कर दो। इसमें एक एनायन एक कैटायन का सम होगा, जबकि इस वाले केस में दो एल्यूमिनियम और तीन सल्फेट का सम होगा। यहीं पे हम पहले एक नोट और पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे अगला। ये हमारा NaCl है, ये हमारा NaNO3 है और ये हमारा Na2SO4। तीन सॉल्ट है डिफरेंट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर सोडियम की कंडक्टेंस किसमें मैक्सिमम हो, कोई बताएगा? Na2SO4। तो दो तीन बच्चों ने हमको बताया कि Na2SO4 की ज्यादा, Na2SO4 में सोडियम की कंडक्टेंस ज्यादा होगी। अब हम आपको कोलराउस के लॉ बताते हैं, लिमिटिंग लॉ। कोलराउस कहता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आयोनिक मोबिलिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन सराउंडिंग। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आयंस की मोलर कंडक्टिविटी साथ वाले आयंस पर डिपेंड ही नहीं करते। तो बताओ सोडियम के कंडक्टेंस किसमें ज्यादा हो? सब में बराबर होगी, सब में बराबर। Na+ कंडक्टर इक्वल मोलर कंडक्टर, और इसको हम कहते हैं कोलराउस। इसको हम कहते हैं कोलराउस इंडिपेंडेंट माइग्रेशन लॉ। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन लॉ इसमें कहता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आयंस मोबिलिटी और मोलर कंडक्टेंस नॉट डिपेंड अपॉन सराउंडिंग लाइन। इसका देसी वर्जन ये है कि हम क्लास में पढ़ते हैं तो अगर हमारे बगल में हमारा फास्ट फ्रेंड बैठ जाए तो हम क्या है उसकी बहुत से बातें करने लगते हैं और पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आ गए हैं, हम बहुत स्मार्ट हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए के बगल में बी बैठ के पढ़ रहा है या सी बैठ रहा है। ए की पढ़ाई पर सी और बी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। लेकिन नॉर्मली स्कूल में ऐसा नहीं हो सकता। ऑनलाइन एजुकेशन ऐसे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि उनके बगल में वो माया नहीं बैठती, ठीक है ना। कई बच्चे तो बेचारे इसीलिए नहीं पढ़ पाते कि उसके बगल में कोई मोह माया बैठी हुई और वो बेचारा उसी से बात कर करके अपने आप को खत्म कर लेता। एक दिन वो दोनों बातें करते हैं, मेरा भी कुछ नहीं हुआ और मेरा भी कुछ। क्वेश्चन, एल्यूमिनियम +3 एंड सल्फेट मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस इज 300 एंड 200 रेस्पेक्टिव, कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट के मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट। तो हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट को ब्रेक करके देखेंगे। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो दो एल्यूमिनियम और तीन सल्फेट। एल्यूमिनियम की वैल्यू हमें 300 दे रखी और सल्फेट की वैल्यू 200 दे रखी, तो टोटल सम कितना आ गया? 1200।
ठीक है ना। इससे आगे का जो पार्ट है वो ट्वेल्थ में नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए मोलर कंडक्टेंस को एन से डिवाइड कर देते, एन यहाँ पर टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, कैटायन या एनायन में से किसी का भी टोटल चार्ज ले लेंगे, दोनों नहीं लेंगे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो देखो मोलर कंडक्टेंस इतनी है, बताओ इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है। प्लस सिक्स। और नेगेटिव चार्ज सिक्स। दोनों ही बराबर होंगे तो हमने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 200। ये तरीका तब अप्लाई करते हैं जब वो हमें मोलर कंडक्टेंस से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने को कहे। अगर वो हमको डायरेक्ट ही कहता है, इससे डायरेक्ट ही कहता तो देखो फिर कैसे निकालते हैं। देखो बताओ एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस थ्री, तो तीन से डिवाइड कर देंगे। सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना है, माइनस टू, तो टू से डिवाइड कर देंगे, तो 300 डिवाइडेड बाय 3 और 200 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 200। ये कॉम्पिटिटिव के लिए अच्छा है। आज भी ये दोनों तरीके शहर में 90 टीचरों को नहीं आते, और आज भी टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे निकलेगा कि ऐसे निकलेगा। बोथ आर करेक्ट, इससे डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग बताते हैं कि जो ये वाले नंबर है उसको तो इसके नीचे रख देते हैं और इसकी वाले नंबर को इसके नीचे रख देते। देयर आर सेवरल मेथड वी कैन यूज, बट मेरे को यही आता है कि जो चार्ज हो कैटायन का उससे डिवाइड कर। और ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव के लायक अच्छा है, ट्वेल्थ के लायक एकदम बकवास। मतलब जिसको खाली ट्वेल्थ करनी है उसको ध्यान ही नहीं देना। तो हमने पढ़ा कोलराउस लॉ, कोलराउस के दो लॉ थे, एक इंडिपेंडेंट और एक सिंपल। आपको 2021 के लिए कोलराउस लॉ और कोलराउस लॉ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन रट लेना चाहिए। ये नहीं आता तो समझ लो क्या कहें, मतलब 2021 के बच्चे को कोलराउस लॉ नहीं आता। एंड में पूछ लेना किसी से भी, और अगर वो नहीं बता पाए तो समझ जाना इसका कुछ नहीं होना। हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन, कोलराउस लॉ के एप्लीकेशन। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, ठीक है ना। पता चैप्टर खत्म होने वाला, तो इसकी फर्स्ट कैलकुलेशन है मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेशन। मोलर कंडक्टिविटी की कैलकुलेशन, और इसमें न्यूमेरिकल आता है, कोई थ्योरी वरी नहीं, न्यूमेरिकल कैसे आता है। कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, इफ एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करो, इफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसिटेट HCl एंड NaCl रेस्पेक्टिवली 91, 425 and 120। कभी कभी इसकी जगह पर ऐसे करके भी लिखा हो जाता है, सोडियम एसिटेट की जगह पर सोडियम और एसिटेट लिख देता है, तो 91 ऐसे लिखता है, 50% बच्चों के हालत खराब हो जाती है। अब ध्यान से अब देखकर समझना, अच्छे 91 आंसर। अब कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, एसिटिक एसिड की
जो पोलर कंडक्टिविटी होगी वो इन दोनों के सम के बराबर हो, इन दोनों के सम के बराबर हो। पर हमने क्वेश्चन में देखा दोनों की वैल्यू नहीं गिवन है, और तो ऊपर तीन सॉल्ट हमको दिए हैं, उसको इसमें ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ध्यान से सुनना, ये जो दो आयन है वो इसमें तीनों में से किसमें नहीं प्रेजेंट है? एसीटेट के आयन इन तीनों सॉल्ट में से किसमें एक भी आयन नहीं है? NaCl। यही इसके ज्ञान की बात है। तो जिस सॉल्ट का एक भी आयन इससे कॉमन नहीं हो उसके कैटायन को एक बार जोड़ दो, ऐसे ही उसके एनायन को एक बार जोड़ दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर, इस पॉजिटिव से इस पॉजिटिव को जोड़ दो, इस पॉजिटिव से इस पॉजिटिव को जोड़ दो, इस पॉजिटिव से इस पॉजिटिव को जोड़ दो, और इस नेगेटिव से इस नेगेटिव को जोड़। और अगर आप स्मार्ट हो तो आपको पता है किसको सब्ट्रैक्ट करना है, जिसका कोई भी आयन कॉमन नहीं हो उसको बाकी दोनों में से सब्ट्रैक्ट करना। अब कोई बच्चा कहेगा ऐसा हमने किया क्यों? ऐसा हमने इसलिए किया है कि इस Cl की वैल्यू से Cl की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और इस ये गलत लिखा है Na होगा, इस Na से इस Na की वैल्यू कैंसिल होते, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आयंस की कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे साथ वाले पे डिपेंड नहीं करती है, उसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 391 आ जाएगा। एनसीईआरटी में ये आंसर 390.5, मतलब कोई वैल्यू 0.5 का डिफरेंस। ऐसे निकालते हैं मोलर कंडक्ट। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसने बदमाशी कर दी और क्या किया, और ऐसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालते। पर अगर उसने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाली तो हमको इन वैल्यू को चार से डिवाइड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो उसने क्वेश्चन में क्या बदमाशी करी, दो की तो मोलर कंडक्टिविटी दे दी और एक की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दी। बच्चों ने यूनिट में ध्यान ही नहीं दिया, और यूनिट में ध्यान नहीं दिया तो सारे बच्चे साफ, और हम भी उस एग्जाम्पल में साफ हो। सेकेंड यूज में हम इससे निकाल सकते हैं सॉल्युबिलिटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। ये तीन बातें और निकाल सकते, इनके सिर्फ हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। देखना, अल्फा निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये सी कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी है और जीरो कॉन्सेंट्रेशन है। एनसीईआरटी में जीरो ही दिया हुआ है और पुरानी किताबों में इसकी जगह इंफिनिटी दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, और इस फॉर्मूले से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर डूब जाते हैं, वो कप्पा में और के में डिफरेंस नहीं कर पाते, ये कप्पा नहीं है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। कोई बता सकता है ये रूल किसने दिया था, ये फॉर्मूला किसने दिया था? ये अब लास्ट पार्ट बचा हमारा सॉल्युबिलिटी। किसी फॉर्मूले में मोलैरिटी आई है क्या? किसी फॉर्मूले में, इलेक्ट्रो के फॉर्मूले में मोलैरिटी आई है क्या? आई थी, और वो कहाँ आई? मोलैरिटी ही बराबर सॉल्युबिलिटी होती है, मोलैरिटी ही बराबर सॉल्युबिलिटी होती है।
और इससे जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो मोल पर लीटर आएगी, लेकिन ग्राम पर लीटर में निकालनी पड़ती है। तो मोल पर लीटर में निकालने के लिए ग्राम पर लीटर को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया जाता है। ये 11th क्लास के पाप हैं, ठीक है ना, जो 12th में निकल निकल के आते हैं, इसलिए पुराना भी पढ़ना पड़ता है। जो 11th को रिवाइज नहीं कर पाया उसका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। 11th नहीं तो कॉम्पिटिटिव नहीं। जिसकी 11th अच्छी नहीं होती उसको बहुत डिफिकल्टी आती है। तो अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, थोड़ा थोड़ा 11th के इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते रहोगे तो भी लाइफ बन सकती। देखना, यहाँ पर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चैप्टर का, जो अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि ये कभी भी आ सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वो कहता है CuS का KSP, CuS का KSP 4×10⁻¹ है। तो इसकी इसकी मोलैरिटी निकाल। कोई निकाल सकता है? अब हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि मोलैरिटी किसके बराबर होती है, सॉल्युबिलिटी के बराबर। ये दो आयन देगा तो KSP बराबर S² और S बराबर KSP। वहां पर ये वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है ना, मतलब होल नंबर में नहीं दे रखी। तो पर मैंने क्या कैलकुलेशन के टाइम कोई बच्चा कैल